हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। इसमें जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर आज देर रात क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका आपको लेकर इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, नेक्स्ट आपके रिश्ते में क्या होने वाला है, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज देर रात, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, तो फोकस बनाकर रखिए उन पर। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आज देर रात, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, इनका ही आपका शाइन हो सकता है। आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं, काफ़ी ओपन माइंडेड मुझे दिखाई दे रहे हैं लव में, ये लव काफ़ी ओपन माइंडेड है, काफ़ी फ्लर्टी लव ऐसा हो सकता है। ये तो आपके पार्टनर हैं, ये तो आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्लर्ट करते हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ओपन अप हो, आप दोनों का फ्रेंडली नेचर के हो, एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा काफ़ी रोमांटिक कपल मुझे दिखाई दे रहे हो। रेड कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फेवरेट हो सकता है, रोमांटिक कनेक्शन ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो रोमांटिक सिचुएशन इनको चाहिए आपके साथ, कोई पल रहा है, कोई मोमेंट रहा है उसको याद करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कभी आप दोनों ने रोमांटिक डांस किया था एक दूसरे के साथ, एक ही कॉलेज स्कूल के हो सकते हो, आप दोनों एक साथ स्कूल के था या कॉलेज के था, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर नेबर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या एक ही वर्क प्लेस पर वर्क करते थे या करते हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये ज़रूर मैं देख पा रही हूँ कि इनको आपके साथ वर्क करना है, ठीक है, रोमांटिकली आपके पार्टनर आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ डांस करना चाहते हैं, कोई कुछ मैजिकल मोमेंट्स चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी फिदा हैं आप पर आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच सब कुछ सही जा रहा है, ऐसा हो सकता है एक दूसरे के साथ काफ़ी बातचीत कर रहे हो, रोमांटिक हो रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ऐसा हो सकता है करेंटली, ठीक है, या आपका मिजाज ऐसा हो सकता है जो कि आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद है, या ये चाहते हैं कि आप इनके साथ फ्लर्ट करो, ठीक है, आप रोमांस करो, रोमांटिक हो रिलेशनशिप में, रिश्ते में इनको रोमांस चाहिए। आपके पार्टनर अगर आप काफ़ी रोमांटिक हो, इनको बहुत पसंद आती है ये, इनको चाहिए रोमांस आपके कनेक्शन में। चलिए और देखते हैं, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर राइट नाउ मूवी देख रहे हैं, कभी कोई कपल को देखते हैं, आपको ज़रूर याद करते हैं कि हमारा कनेक्शन, हम भी तो कभी ऐसे ही थे, कितना क्लोज थे, कितना रोमांस था, कितना एक दूसरे पर बिल्कुल फिदा ही थे हम, क्या दिन था वो जब हम साथ थे, बातचीत होती थी, हमारी मीटिंग्स होती थी, ये करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, हॉलीडे प्लान कर रहे हैं आपके साथ, आपके पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और क्या इनके पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स बताएं मुझे, अगर ये आपकी हस्बैंड वाइफ है ना, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहो, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं स्पार्क की कमी है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि रोमांस की कमी है, कुछ चीज़ है आप दोनों के बीच जो कि मिसिंग है, ठीक है, ये चाहते हैं कि फ्लर्ट हो यहाँ पर इस रिश्ते में। और देख लेते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आज देर रात, क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स। एश ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये पर्सन आप पर काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपकी ओर आपकी तरफ मुझे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, आपको खुद को कैरी करना, आपका बिंदास नेचर, आपका ओपन माइंडेड बिहेवियर, सब कुछ आप में इनको बहुत पसंद है, ठीक है, खुद को कैरी करना, आपका बिहेवियर, आपका जैसा सोचने का तरीका है, जो आपका माइंड सेट है, इनको काफ़ी पसंद है, आप पूरे के पूरे इनको बहुत पसंद हो, ये आप फिदा मुझे दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है। और वहीं कुछ लोग लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, स्पेशली अगर ये एक वूमेन है, गर्ल है, तो इनकी फीलिंग्स है आपको खुद की ओर आकर्षित करना, ये करते भी हैं ठीक है, ये करते भी हैं, कभी आप हुए हो, कभी आप बिल्कुल इनको देखते रह गए। इनका प्लान था आपको खुद की ओर अट्रैक्ट करना, बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ। जब आप इनको प्यार भरी नज़रों से देखते हो, इनको बहुत पसंद है आप में वो चीज़, ठीक है। आपके पार्टनर सोचते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको कैसे अट्रैक्ट करना है खुद की ओर। आपके लिए कुछ कलर्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है, येलो, रेड, पर्पल कलर, पिंक कलर, बेबी पिंक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स बताए मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये लव सिक्योर लव है, सिक्योर हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, सेफ हो। आपके पार्टनर के ऐसा सोच है ठीक है कि आपका कनेक्शन इनके साथ सिक्योर है। और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज देर रात, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद आपसे आकर्षित हैं। आपके पार्टनर क्वालिटी टाइम, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हॉलीडे प्लान कर सकते हैं आपके पार्टनर। और वहीं कुछ लोग के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर शादी के लिए, इंगेजमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके रिश्ते को सक्सेस स्टेबल करने के लिए बिल्कुल रेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं, शादी के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, मुझे आप दोनों का होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी शादी हो रही है, हनीमून पर जा रहे हो, या तो सेकंड हनीमून पर जा रहे हो, सेकंड बार आप दोनों मैरिज कर सकते हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप दोनों के बीच कुछ इशू हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, आप दोनों सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से, वापस यूनियन में आ रहे हो, तो मुझे सेकंड मैरिज, हनीमून ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वापस एक दूसरे के प्यार में पड़ते हो मुझे दिखाई दे रहे हो कुछ लोग यहाँ पर, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी में कहीं इन्वॉल्व थे तो थर्ड पार्टी का दिल टूटते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपको चूज़ कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ किसी व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा था, आपको लगा उनके साथ फ्यूचर हो सकता है, पर किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपके साथ विश्वासघात किया, आज आप वहाँ से निकल चुके हो। या ये भी हो सकते हैं कि आप नए पार्टनर के साथ हो, किसी और के साथ आगे बढ़ने जा रहे हो, तो वो व्यक्ति जिसने आपका दिल तोड़ा था वो आपकी ओर मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, वो आपको वॉच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर का मैसेज चेक कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर इनसे। फियर द वर्ल्ड, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हो, इन्होंने ये जाना है, महसूस किया है। आपके पार्टनर के लिए इनकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके खुद के लिए आपकी फैमिली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों के लिए ही है, तो आप दोनों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फैमिलीज़ एक हो सके, अगर फैमिली इशू हो रही थी तो। और अगर इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों को, यकीन मानिए आपके पार्टनर को सिर्फ आप ही चाहिए, ठीक है। और ये आपके साथ सेलिब्रेशन ला कर रहेंगे, ये आपके साथ एक होकर रहेंगे, ये जो चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना है तो बढ़कर रहेंगे, ठीक है। कुछ मोमेंट लाना है, कोई दिन लाना है, कुछ करना है इनको, ये कर रहेंगे, बट आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रहेंगे, आपका साथ पा कर रहेंगे। मुझे डांस कुछ दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसा दिन आने वाला है जहाँ पर आप दोनों डांस कर रहे हो, रोमांटिक डांस कर रहे हो, सब बहुत खुश है, फैमिली फ्रेंड्स मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है आपके रिश्ते में आके, ठीक है। एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, और आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि आप इनकी दुनिया हो, और इनको पता है कि आपकी दुनिया इनके अराउंड ही घूमती है, इनके आसपास ही घूमती है। आप इनका ड्रीम देखते हो, ये व्यक्ति आपका विश है, आपका ड्रीम है, आपकी चाहत है, आपके प्यार हैं,
ये आपके वर्ल्ड हैं, तो आप ही इनका वर्ल्ड हो, आप ही इनका ड्रीम हो। जो आपका ड्रीम है इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, सेम इनकी फीलिंग्स हैं, इनका थॉट्स है, इनका ड्रीम हो आप। आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं, ये अपने सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए इनकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरी ओर आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तो दोनों जगह इनको बैलेंस करना है, कहीं पर आपके पार्टनर को बैलेंस करना है, ठीक है। आपके साथ आपके पार्टनर हमेशा एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आप इनके पास्ट हो सकते हो जिसको प्रेजेंट बनाना चाहते हैं, और वो कैसे करना है ये व्यक्ति ओवर थिंक कर रहे हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को ये पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। आपके पार्टनर में सेक्सुअल एनर्जी देख पा रही हूँ करेंटली काफ़ी ज़्यादा, आप इन पर हावी हो रहे हो, ठीक है। ये सेक्स चाहते हैं आपके पार्टनर, इंटीमेट आपसे होना चाहते हैं, इन्होंने आपको प्रेग्नेंट किया था, आपने इनको, ये चाहते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर को ना किसी बात का टेंशन हो रही है, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व थे, तो आपके पार्टनर को कुछ बात को लेकर बड़ी टेंशन हो रही है, कोई बात बिगड़ गई है या जो नहीं होना चाहिए था वो हो गई है, कुछ बात को लेकर आपके पार्टनर मुझे टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जैसे कि मैंने कहा कि आपको लेकर मैं एक लस्ट देख पा रही हूँ, आपके लिए मैं सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर में काफ़ी हावी हो रहे हैं, खुद को, अपने इमोशंस को, अपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, इनसे वेट नहीं हो रहे हैं, इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग लिए आपके पार्टनर जल्दी आपसे मिल सकते हैं। मुझे ये इनका एक्शन दिखाई दिया है, मुझे ये एनर्जी मिला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, डिवाइन टाइमिंग आके है आपकी यूनियन का, आपकी कंप्लीशन का, या आपको आपके इंतज़ार का फल मिलने वाला है, आपको आपकी सब्र का फल मिलने वाला है, जो भी आप चाहते हो वो होने जा रहा है, या जो आपके लिए बेस्ट है वो हो रहा है, वो होगा। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। गुड नाइट स्टूडेंट्स, टेक केयर, लव यू ऑल।